नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चों को एसएससी आईएमडी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम था। एक तो उसके बारे में आप डिटेल बच्चों को मिल नहीं रहा है कि क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे पेपर है, क्या उसके जॉब प्रोफाइल है, सैलरी कितनी है, पोस्टिंग कहाँ होगी, वर्किंग क्या है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात यह है कि ये हर साल तो आती नहीं है ऐसी वैकेंसियाँ। ये आपके 17 में आई थी तो अब आई है, 5 साल बाद सीधे 22 में आई है, फिर 13 में आई थी तो 13 4 17, 4 साल 5 साल के अप्रोक्स में ऐसी वैकेंसी आती है। और मगर जब भी आती है तो अच्छी खासी वैकेंसी लेके आती है। 900 हज़ार उस समय भी थी और इस समय भी आप देख रहे हो 900+ ही आपकी वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी की जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें आपको काम क्या करना रहेगा, कितना आपका प्रेशर रहेगा, वर्क प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा, ट्रांसफेवरेबल है कि नहीं, ट्रांसफर आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले, जितने भी बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर बच्चे तक पहुंच पाए जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो टीम के द्वारा, परीक्षा प्लस के द्वारा एकदम सस्ते दाम में आपका कोर्स जो है निकाला गया है। जो इसका बेस प्राइस है, एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूं, 7,000 है। इस पे 85% ऑफ दिया जा रहा है अभी शुरुआत में, और ये सिर्फ 999 में आपको आपको पहला पार्ट जो है और दूसरा पार्ट दोनों जो भी आपका होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा 999 में। और एडमिशन कैसे लेना है तो सिंपल सा बात है भाई कि आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो। क्या करना है, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पे आप जाओगे तो आपको एसएससी आईएमडी का जो है बैच आपको दिखेगा, ठीक है। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लो और एसएससी एमडी का वहां से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, तो आपको डिटेल पे कोर्स के बारे में बता दिया जाएगा कि आपका टेक्निकल वाला क्या पार्ट चल रहा है और आपका जो पार्ट वन है, जो बेसिक वाला है, एसएससी वाला है, वो आपको दोनों उसमें कवर कराया जाएगा। बात मात्र 999, ये ऑफर प्राइस है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि जॉब प्रोफाइल में, जहां मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कितना रकम मिलेगा आपको, सैलरी क्या है, ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशन क्या है आपका, ठीक है, जॉब टाइमिंग क्या है, वर्किंग क्या है, पोस्टिंग आपकी कहां कहां पे होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे आपके आईएमडी। आईएमडी का मतलब ही होता है ये आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग से रिलेटेड आपको काम करना है, ये सिंपल सी बात है, सिर्फ इतना जान लो। अब यहां पर सैलरी की पहले बात कर ले तो सैलरी आपका जो है साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है ये। इस पर आप जाओगे जब भी आपका पोस्टिंग होगा, और बहुत ताम झाम नहीं है इस एग्जाम में, सिंपल सा आपको एग्जाम देना है, डीवी कराना है, मेडिकल होना है, और मेडिकल भी होम डिस्ट्रिक्ट पे होता है, ठीक है। एसएससी की तरह नहीं है टायर वन दो, टायर टू दो, टायर थ्री दो, ये फुल दुनिया भर का एग्जाम नहीं है। इसमें एक एग्जाम होना है, दो पार्ट है आपका, एक जनरल पार्ट है जो आप जहां आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस आपकी जो पूछी जाती है, जो एसएससी वाला सेम पार्ट है, और एक आपका जो है पूरा टेक्निकल पार्ट है। तो इन दोनों का एग्जाम दो, ऑब्जेक्टिव होता है। 2013 में आपका सब्जेक्टिव होता था, 17 में भी ऑब्जेक्टिव हुआ, और यहां पर भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा 22 में, और सीधे आप डीवी पे जाओगे, ठीक है। तो डीवी आपका होगा वो आपका जोनल वाइज बताया जाएगा, और सीधे आपको पोस्टिंग, ऑलमोस्ट आपको मैं बताऊं तो 8 से 10 महीने में आपको यहां पे पोस्टिंग मिल जाएगी इस जॉब में, इतना ध्यान रखो। दिसंबर में एग्जाम तय है। 6 लेवल पे लेवल अगर मैट्रिक्स की बात करें तो 6 लेवल में ये आता है, पे लेवल मैट्रिक्स में, जो 7th पे कमीशन आपका चल रहा है। ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की जॉब है। बेसिक जो आपका बनेगा वो 35,400 रुपया आपका बेसिक होगा। अभी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, केंद्र ने भी बढ़ा दिया और राज्य ने बढ़ा दिया, 34 था अब 38 हो गया है। तो 38% 35,400 का अगर जोड़ोगे तो 13,452 रुपया आया। तो खाली मैं अगर बेसिक और डीए जोड़ लूं महंगाई भत्ता तो 48,852 रुपया हो गया। अभी पूरा अलाउंस बाकी है, क्या एचआरए बाकी है और आपका टीए बाकी है, और अच्छा खासा मिलेगा क्योंकि आपको यहां पे मेट्रोपॉलिटन सिटी मिलेगी, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन सब जगह पे जब जाओगे। और कहीं हार्ड पोस्टिंग हो गई, हार्ड पोस्टिंग में और अलायंसेस बढ़ जाते हैं। हार्ड पोस्टिंग का मतलब आइलैंड में आपको भेज दिया गया, पौंडीचेरी हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, तो वहां परसेंटेज वाइज आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है, समझ रहे हो, तो वहां और बढ़ जाती है। तो हार्ड पोस्टिंग आपके पूरे जो सर्विस में एक बार हार्ड पोस्टिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये कंफर्म है, ठीक है, चाहे पहले मिल जाए, वो रैंक के ऊपर होता, हो सकता है अगर आपका रैंक कम आ रहा है तो आपको हार्ड पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन जिसको एक बार हार्ड पोस्टिंग मिल गई फिर बाद में वो ट्रांसफर हो जाता है तो जनरल ही वो फिर से उसको दोबारा हार्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना। एक बार मिल गई तो, और सभी को जो भी जॉब करता है उसको एक बार हार्ड पोस्टिंग तो मिलती ही मिलती है, यह भी तय होता है।
अब यहाँ पे डी आपका क्या हो गया, एचआरए हो गया और टी हो गया, ऑलमोस्ट 3 से 5 ये भी आपका जो होता है सिटी टू सिटी जो है वेरी करता है, एबीसी के कैटेगरी में सिटीज रखे जाते हैं, ट्रेवलिंग एलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूं तो आपको 52 से 55 हजार इन हैंड आएगा विद डिडक्शन के साथ, डिडक्शन में अगर काट लिया जाए तो 52 से 55 हजार सैलरी आपको इनिशियल में मिलेगा जब आप जाओगे। आप कहोगे सर इसमें ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, प्रोविजन पीरियड क्या होता है, देखो ऐसा कुछ सजेस है नहीं कि ट्रेनिंग का है इसमें, क्या होता है बैच जो भी आपके 900,000 बच्चे जो रिक्रूट होके जाएंगे उसमें आपका क्या होगा 25-20 का बैच बनाया जाता है। अब उसमें से किसकी बैच पहली बार ही आएगा, किसको ट्रेनिंग कराया जाएगा वो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। एसएससी आपका रिक्रूट कर लेगा, सब कुछ करने के बाद आईएमडी को दे देता है। अब आईएमडी अपने बेसिस पर काम करता है, एसएससी का रोल वहां खत्म हो जाता है जब वो मेरिटोरिट सब बना लेता है, उसके बाद से उसका रोल खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग इसकी 4 मंथ की होती है और ये एकदम क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं आपको प्रैक्टिकल। और ये हो सकता है कि आपको कभी बाद में 1 साल 2 साल बाद कराया जाए, चाहे बीच में ही करा ले पहले ही करा लिया जाए, सभी बैच की अलग अलग है, कुछ भी 100% श्योर नहीं है। तो सभी की एक बार ये होती ही होती है, स्कूल बेस्ड मतलब एक तरह से लर्निंग बेस्ड ट्रेनिंग होती है। तो कुछ बच्चे तो वैसे ही काम करते करते ही सीख जाते हैं सब कुछ, और कुछ को आपको जनरली जिनको लगता है कि नहीं इनकी रैंक ऐसी है उनको डिटेल देना चाहिए हमें, तो वो 4 मंथ की एक तरह से बोला जाए पेपर पे 4 मंथ की ट्रेनिंग है, वो बैच वाइज डिपेंड करता है। उसके बाद से आपकी वर्किंग क्या होगी, देखो आपकी वर्किंग क्या है कि यहां पे आपका जो आप सबसे ऊपर आपके सीनियर हैं और जो आपके साइंटिस्ट हैं वो आपके जो मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, नॉ कास्टिंग हो गया, मतलब साइक्लोन से रिलेटेड जो भी आपके वेदर से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि देखते हो कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं वेदर्स में, तो उनको आपको सहायता करना है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है हेल्प करना है सपोर्ट करना है। तो वो मेन आपका वर्क होता है क्योंकि वो साइंटिस्ट हो गए जो भी आपके सीनियर हैं उनको उसके काम में सपोर्ट करना है। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग का जो डिपार्टमेंट है अलग अलग उसमें आपका क्या है एक तरह बोल जाए डिवीजन है, उसमें आपकी पोस्टिंग मिलती है जब आप जाओगे तो वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट में आपको मिल गया, उसमें भी कई सेक्शन है तो उसमें आपको कुछ काम अलग से मिल जाएगा कि आपको रिपोर्ट देखना है। फिर सैटेलाइट डिवीजन अलग है कि सैटेलाइट से जो भी मौसम के भी आपकी जानकारियां मिल रही हैं उसको आपको प्रिंट कराना है, बार बार उसको देखते रहना, उसका रिपोर्ट तैयार करते रहना है और हर 3 या 6 घंटे में रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड करना होता है अपने सीनियर्स को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, तो अलग अलग है। जैसे सिक्योरिटी सेक्शन में भी आपको भेजा जा सकता है कि पूरे उसका सिक्योरिटी देखा जाए। इन सब चीजों में आपके सिलेक्शन होने के बाद अलग अलग, जैसे एडमिन सेक्शन में मतलब आप प्रशासनिक वाले में भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आपको हो सकता है कि आप सीएसयूएस के फील्ड से हो तो कोडिंग रिलेटेड आपको दे दिया जाए काम, वेबसाइट पर डेटा जो है अपलोड करना, डेटा की जो है एक तरह से पूरा जो भी रिसेंट डेटा है मौसम विभाग का रिलेटेड कि क्या है साइक्लोन की गति क्या है, जो भी चीजें होती हैं और जो भी मौसम से फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं उसको आप मतलब एक तरह से बोल सकते हो वेबसाइट पर अपलोडिंग का काम एक तरह से बोल जाए तो वो आपका एक तरह से कोडिंग वाले डिपार्टमेंट में चले जाओगे। नॉ कास्ट वाला डिपार्टमेंट, तो नॉ कास्ट मतलब तुरंत की कास्टिंग, हर 2-2 घंटे में मौसम की क्या हाल चाल है, कभी मानो जैसे बोला जाता है ना कि अब तूफान चल दिया है, टाइफून चल दिया है, इतने रफ्तार से चल रहा है, तो हर उसका पूरा एक एक पार्ट उसका रिकॉर्ड किया जाता है, इतने रफ्तार से आ रहा है, क्या क्षति पहुंचा सकता है, किस किस एरिया को क्षति पहुंचा सकता है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिपोर्ट भेजते हैं गवर्नमेंट को, फिर उस हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आपकी तैयार होती है और फिर उन इलाकों को सुरक्षा देती है प्रदान करती है। तो ऐसा है कि आपका ये हमेशा जॉब वाला टाइम है, मतलब इसमें छुट्टी तो आपको नहीं है, शिफ्ट जॉब है लेकिन प्रेशर नहीं है, ठीक है। 7 दिन वर्किंग है बोला जाता है इसमें, 7 दिन है। एग्रोमेट मतलब एग्रोमेट में एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आपके मौसम है उसका एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मौसम विभाग की जो उनकी जानकारी है उस डिवीजन में भी आपको काम करने को मौका मिलेगा, ठीक है। कहीं भी पोस्टिंग वो डिपेंड करता है एमडी आपको कैसे किस विभाग में पोस्ट करता है। तो एग्रोमेट वाले में जाओगे तो एग्रीकल्चर का मौसम से जो रिलेशंस है ना उसके डेटा को एनालाइज आपको करना रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बस यही है, मतलब कुल मिला के एक तरह से मौसम विभाग से रिलेटेड आपको काम करना है, ओवरऑल बस इतना समझ लो, ठीक है। पोस्टिंग आपकी जोनल वाइज होगी, वैकेंसी जैसे होती है वैसे होगे। उसके बाद से इसमें हेडक्वार्टर जो आपका दिल्ली में है तो यहां भी पोस्टिंग मिल सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो होती हैं आपके मेंबर्स जो हैं वो हेडक्वार्टर में ही होते हैं तो हो सकता है यहां पे मिल जाए। बाकी आपके अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अलग अलग शहरों में, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद से एयरपोर्ट में भी आपकी पोस्टिंग की जाती है, जैसे एयरपोर्ट में भी बताया जाता है ना कि क्या वेदर कंडीशन होने वाले हैं, वो सब आप ही बताओगे कि लैंडिंग मतलब अभी आप लैंडिंग हो
होगी कि नहीं होगी, कब होगी, कहाँ होगी, तो वो सब मौसम से रिलेटेड एयरपोर्ट को जानकारी देना, एयरपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी देना आपका दायित्व होता है। तो आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे भी की जाती है। रीजनल्स जो ऑफिस होते हैं वहां पे भी आपकी पोस्टिंग की जाती है कि आप रीजनल बेसिस पर, मतलब आप जो आपको डेटा जो शहरों से आएगा उनको डेटा से आप रीजनल बेसिस पर भी आप मौसम विभाग की जो भी चीजें हो उसको आप अलर्ट कर सकते हो। छोटे छोटे जो रीजन्स होते हैं वहां पे आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है मेन हेडक्वार्टर से चाहे कहीं से भी, उसके थ्रू आप कोई भी चीजें होनी, जैसे मान लो अभी इतनी बारिश हो रही है तो अलर्ट जारी कर दिया गया, स्कूल स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वैसे ही आपकी जब नदियों का स्तर बढ़ने लगता है तो उस हिसाब से वो रीजनल पे भी आप लोगों की पोस्टिंग होती है कि आप जाके इतलाह कर दें कि जो भी आपके आसपास गांव या शहर है उनको कि यहाँ चीजें जो है कंडीशन हो सकती हैं, खतरनाक कंडीशन हो सकती हैं, तो हमें पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इस समय से रीजनल ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग की जाती है। चलो उसके बाद से जॉब टाइमिंग देख ले तो 7 डे वर्किंग है आपका, लेकिन शिफ्ट में वर्किंग होता है। 8 से 2 PM 6 घंटे की जॉब है आपका, ठीक है। 8 बजे सुबह से एक बार लगी तो 2 PM पे, फिर अब आपकी लगेगी जॉब तो अगले दिन एक तरह से बोल रहे हो इवनिंग में लगेगी, ठीक है। तो ऐसे शिफ्टिंग जॉब है, 8 PM से 8 AM ये वाला आपका थोड़ा 12 घंटे जॉब करता है, तो इसकी बस सैलरी भी अच्छी मिलती है। जो नाइट में करता है तो उसकी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होता है, वो हर जगह होता है, ये मतलब उसको एक्स्ट्रा ही पे मिलता है लास्ट में जब आपकी सैलरी बनती है। तो शिफ्ट जॉब है और कहा जाए तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं है कि आपको ये छुट्टी मिल रही है, बीच में ही आपको लग जाता है कि हाँ हमारी छुट्टी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट अगर ये आप करके आए तो उसके अगले दिन आप मतलब 2 बजे के बाद अब सीधे 8 बजे उसके अगले दिन ही करोगे, ठीक है। तो एक दिन का गैप मिल गया तो ऐसे ही आपका जॉब चलता रहता है ओवरऑल। तो ये आपका 7 डे है और शिफ्ट वाइज जॉब है, ये आपकी जॉब की टाइमिंग है, आपको मैंने बता दिया। प्रमोशन की अगर हम बात करें कि आपका प्रमोशन किस किस पे होगा, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप जाओगे तो साइंटिफिक असिस्टेंट वाले पोस्ट पे जाओगे तो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जो मैंने आपको बता दिया 52 से 55 हजार आपकी सैलरी बनेगी। उसके बाद से मेट्रोलॉजिस्ट जो है आपका ए सेकेंड ग्रुप में जाओगे तो आपका जो ग्रेड पे होगा वो 4600 होगा। फिर मेट्रोलॉजिस्ट बी में जब जाओगे तो 4800 ग्रेड पे की जॉब है। लेकिन यहां से यहां जाने में कितना समय लगता है, ऑन पेपर तो यह बोला जाता है कि यह आपकी पहली पोस्टिंग मतलब पहला आपका जो है एक तरह से प्रमोशन 5 साल में हो जाना चाहिए, 5 साल में हो जाना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका सीट क्या है, आगे कैसे वैकेंट है, किस हिसाब से आपका रैंक है, उस हिसाब से पोस्टिंग होती है। तो ऑलमोस्ट का दिया जाता है 7 से 8 साल भी, अभी 2013 वाले बैच की अब जाके पोस्टिंग का मतलब एक तरह से बोला जाए कि प्रमोशन हुआ है। 13-7-3 यहाँ पर देख सकते हो, 8-9 साल बाद पोस्ट उनका जो है कहीं ना कहीं प्रमोशन हो रहा है ऐसे से, ठीक है। तो उसके बाद अब यहां से यहां जाओगे तो वही फिर से 5 से 6 साल मान के ही चलो, ठीक है। उसके बाद से आपका सबसे ऊपर जो होता है वो होता है साइंटिस्ट ऑफिसर। साइंटिस्ट ऑफिसर की डायरेक्ट भी एक रिक्रूटमेंट होता है, वो लोग आईएमडी वाले क्या होते हैं इंटरव्यू बेसिस पे, जो पीएचडी वीएचडी किए होते हैं, जिनका कुछ रुचि होता है कि हाँ कुछ नया करते हैं, जिनका एक तरह से बोला जिस साइंटिस्ट किसको बोला जाता है भाई, जो कोई नया करने की सोच रहा है उस लाइन में, तो वो आप चाहे यहां पे आपकी भराई आप गए हो लेकिन आपके अंदर कुछ है दिखाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में भाग लो, आप सीधे साइंटिफिक ऑफिसर बन जाओगे, साइंटिस्ट ऑफिसर आप बन जाओगे अगर आप उस एलिजिबिलिटी को रखते हो, पीएचडी वीएचडी किए हो और भलाई आप सिलेक्शन में ऐसे पे गए हो। लेकिन जब इसके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है 20-25 पोस्ट के लिए इंटरव्यू की कॉल आती है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कोई रिटन उटन नहीं होता है, तो वहां पे आप अगर इंटरव्यू अगर होता है वहां पर आप उनके इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका उसी पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसी पर फर्स्ट ग्रेड में साइंटिस्ट ऑफिसर पहला जो होगा उस पे होगा 4600 ग्रेड पे, ठीक है। तो समझ सकते हो कितनी खतरनाक सैलरी होगी यहां पर। उसके बाद से 7600 ग्रेड पे है, उसके बाद से जब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों आपके पहले ऑफिसर बनोगे तो फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला फिर थर्ड वाला, तो ये जो है सबसे ऊपर 8700 ग्रेड पे आपको मिलेगा इसका, ठीक है। ऑलमोस्ट तो ये आपका प्रमोशन हो गया, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो जो भी लोग मैंने पहले बता दिया कि ये आपका अच्छी जॉब है, कम समय में मिलने वाली है, और आपका जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एसएससी उनका पहले से तैयार है और साइंस में थोड़ा सा भी बहुत डीप नहीं जाना, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी किताब पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं, कोई किसकी किताब नहीं है,
मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि 5-5 साल में तो ये जॉब आ रही है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है तो बहुत डीप नहीं पढ़ना, बेसिक्स अगर आपका साइंस बैकग्राउंड के हो और आपके 10th 12th की बेसिक्स अगर फंडामेंटल क्लियर है, थोड़ा सा भी आप उसको रिकॉल कर ले जाते हो तो थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल और थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट वहीं से प्रश्न पूछेगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं, आईआईटी जेई का पेपर नहीं देने जा रहे हो, ठीक है, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। हाँ, आपका हो सकता है अगर एसएससी की तैयारी वीक है तो आप इसमें अच्छा प्रिपेयर कर लो, अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर लो, तो आपका ऑलमोस्ट जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसएससी में जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन आपका अच्छा पहले से तैयार है तो इसमें जुट जाओ, पूरा समय है आपके पास, दिसंबर में अभी एग्जाम होने वाला है, आराम आराम से तैयारी करो और ऊपर ऊपर जाओ, जो जो टॉपिक दिया है ना सिलेबस में पहले उसको टच करो, जितना भी आपके टॉपिक सिलेबस में दिया है पहले उसको देखो क्या है कैसे है, उसका ओवरव्यू ले लो, उसके बाद से और ओवरव्यू ले लेते हो, कुछ एमसीक्यूज कर लो उससे रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्चुअल बेस आपका 100% है कि अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो जो इतने दिन बचे हुए हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा खासा पोस्ट है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक तो पूरा का पूरा फिल्टर है कि साइंस वाले ही जा सकते हैं, आर्ट वाले नहीं जा सकते हैं, उसमें भी आपको जो जो स्ट्रीम दिया है वो आपके वही जाएंगे। अभी बीटेक वालों में कुछ थोड़ा दिक्कत चल रहा है, जैसे ही एक मेल दिया गया है, हम लोगों ने मेल किया है डिपार्टमेंट को, अगर उनका रिप्लाई आ जाता है, ऑलमोस्ट 5-6 दिन लेते हैं वो लोग रिप्लाई करने में, अगर आ जाता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे क्या हुआ था कि वो 4 साल की जो डिग्री है ना उसके लिए थोड़ा सा वो दिक्कत है कि 4 साल डिग्री वालों को वो लोग नहीं लेते हैं ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कंफर्मेशन होगा हम एक वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या है आपको इस आईएमडी से रिलेटेड, एसएससी आईएमडी से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, हम पूर्णतः कोशिश करेंगे कि आपके जो समस्याएं हैं, क्योंकि आपका इससे रिलेटेड कहीं भी आपको जानकारी नहीं मिल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं इससे जानकारी आपको प्रोवाइड कराएं, तो आपको जो भी दिक्कत है समस्या है तो आप कमेंट में जरूर करिए वीडियो के कि सर ये समस्या है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो, इससे रिलेटेड और भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।